मौजूद हमारे आज के डॉक्टर से, जिनका नाम है डॉक्टर अबरार मुल्तानी और ये आयुर्वेदा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अबरार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। जैसा कि आयुर्वेद पर हम बात करने वाले हैं और आप में तो विशेषज्ञता है इस विषय पर, तो दरअसल अगर आसान भाषा में हम दर्शकों को पहले ये समझाना चाहें कि आयुर्वेद किस तरह से चिकित्सा पद्धति में मतलब इस्तेमाल किया जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी आपने बताया कि आयुर्वेद के अंदर तीन दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जी, आयुर्वेद कहता है कि दुष्यति इति दोषा, कि जो दूषित कर सके किसी चीज़ को, किसी चीज़ को पॉल्यूटेड कर सके बॉडी के किसी पार्ट को, उसके दोष कहते हैं। जी, तो ऐसी चीज़ें जो दूषित कर सके वो तीन होती है, वात, पित्त और कफ। करेक्ट। अगर ये इसका इम्बैलेंस है, अगर ये संतुलन में नहीं है, इनका संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो शरीर रोगी होगा, और अगर ये संतुलित हैं तो शरीर निरोगी होगा। इन्हें संतुलित करने का नाम ही आयुर्वेद में चिकित्सा कहा जाता है। जी, तो आयुर्वेद का जो मीनिंग है कि आयुषः वेद आयुर्वेद, मतलब कि ऐसा ऐसा ज्ञान जिसमें आयु, यहाँ पे आयु से मतलब एज का नहीं है, आयु से मतलब है जीवन का, कि आपके पूरे जीवन का जो जिसमें ज्ञान समाहित है उसे हम कहते हैं आयुर्वेद। तो हमारी जो लाइफ है पैदा होने से लेकर तो मृत्यु पर्यंत, उसको केयर करने का नाम है आयुर्वेद। तो जैसे सारी चिकित्सा पद्धतियों की जो दो जो विशेषता होती है कि वे हमें एक तो रोग की होने से बचाती है, सही, पहला काम, और दूसरा काम है कि अगर हम रोगी हो गए हैं तो फिर से हमें वापस से निरोगी बनाने का काम करती है। तो आयुर्वेद भी बाकी चिकित्सा पद्धतियों की तरह यही करता है कि आपको पहले निरोगी बनाए रखता है, और फिर दूसरा काम ये करता है कि आप अगर रोगी हो गए हैं तो फिर से आपको निरोग की तरफ ले आए। जी बिल्कुल। तो आयुर्वेद की हम बात, जैसे कि आपने बताया कि निरोगी होना बहुत ज़रूरी, इसका मूल मंत्र है, और तीनों तत्वों की जो हम बात कर रहे थे, वात, पित्त, तो इन तीनों तत्वों का संतुलन कैसे बनाया जा सकता है शरीर में? पहले तो ये जो रोगी होता है हमारा, उसमें हम पहले देखते हैं कि कौन सा जो दोष है वो ज़्यादा प्रकोपित है और कौन सा दोष कम में चला गया, मतलब कि संतुलन किसका बिगड़ा है, कौन ज़्यादा हो गया है और कौन कम हो गया है। जब हम डॉक्टर इस चीज़ को जान लेते हैं, जैसे कि कफ दोष बढ़ा हुआ है, मान लो कि आपको बलगम बन रहा है शरीर में या आपका वेट बढ़ रहा है, तो हम जान लेते हैं कि कफ दोष बढ़ा हुआ है, तो उसकी शांति के लिए, उसको वापस से बैलेंस करने के लिए हम कफ के विपरीत आहार देते हैं। अब अगर वात बढ़ गया है, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कि पेन हो रहा है या व्यक्ति दुबला होता जा रहा है, तो हम समझते हैं कि इसमें वात का प्रकोपण हो गया, मतलब कि वो प्रकोपित होकर बढ़ गया है। जी। तो ऐसे में हम वात की एंटी चिकित्सा करते हैं, जैसे कि तेल की मालिश करने से वात शांत हो जाता है, तो हम देखते हैं कई सारे पेन तेल की मालिश से शांत हो जाते हैं। पित्त अगर बढ़ गया, जैसे आम भाषा में हम कहें कि हमारी मान लो एसिडिटी बढ़ गई है या पीलिया हो गया है, जो पित्त के मतलब की रोग है, तो ऐसे में हम उस पित्त को शांत करने वाली दवाएं देते हैं, जैसे कि हम देखें गन्ने का रस पित्त को शांत करता है, तो हम ऐसे में, या दूध, दूध भी पित्त को शांत करने वाला बहुत अच्छा मटेरियल है, तो हम ऐसे में पित्त को शांत करने के लिए ये चीज़ देते हैं, तो पित्त अपने बैलेंस में आता है। तो ऐसे ही बस सिंपल सी चिकित्सा है, और अगर हम इसे डीप में समझें तो वह फिर चिकित्सकों के लिए उपयोगी है, लेकिन आम लोग इसको ऐसे ही समझे कि तीन दोष हैं और उनके अपने अपने गुण हैं, उन गुणों के आधार पर हम उन्हें जानते हैं, और उन गुणों के विपरीत अगर हम आहार विहार और औषधि लेंगे तो वो शांत होकर वापस अपने सामान्य रूप में आ जाते हैं। जी, और इन चीज़ों के मतलब इन तत्वों के असंतुलन से कौन कौन सी बीमारियां घर कर जाती हैं? आयुर्वेद ये कहता है कि जो जितने भी रोग हैं वह इन तीनों दोषों की वजह से ही होते हैं, तो सारे रोग जो हैं वो त्रिदोष से होते हैं, तो इसलिए हम सारे के सारे रोगों को इसी के अंदर समाहित कर सकते हैं, सभी रोग इन्हीं दोषों से होते हैं। जी, आयुर्वेद का जहाँ तक अभी आपसे बातचीत में थोड़ा समझ में आया, और जो थोड़ा पहले से ही समझा हुआ है, कि घरेलू उपचार या औषधियों का मिश्रण, इन सब चीज़ों से रोगों को ठीक किया जा सकता, बशर्ते इसको समझा जाए और शायद विश्वास किया जाए। मैम, घरेलू जो उपचार है वो इसलिए ताकि हम थोड़ी बहुत चीज़ें तो प्राइमरी लेवल पे ही ठीक करने की कोशिश करें, या अपने खाने में पीने में वह चीज़ें इस्तेमाल करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन हर बीमारी घरेलू उपचार से ठीक हो ये एक भ्रांति है। जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं या मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, और पूछते हैं कि साहब हमें तो है ना आप घरेलू उपचार बता दीजिए डायबिटीज़ का, या वो पूछते हैं घरेलू उपचार बता दीजिए हमें बीपी का, या घरेलू उपचार बता दीजिए कैंसर जैसी बीमारी का, तो ये सब संभव नहीं है। लेकिन आप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में अपने लेवल पर वो जो फायदेमंद चीज़ें हैं उसे ले सकते हैं, जैसे आपको खांसी हो रही है आप शहद ले सकते हैं,
आपका हाजमा ठीक नहीं है, आप अजवाइन ले सकते हैं। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पेट की गैसेस वगैरह ज़्यादा बनती है, तो आप गर्म पानी पीना शुरू कर सकते हैं। ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई बार आपको बड़े रोगों से होने से बचा सकते हैं, लेकिन अगर हो गया है तो फिर आपको चिकित्सक के पास जाना चाहिए, स्वयं चिकित्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं चिकित्सा सेल्फ मेडिकेशन भी एक तरीके का जहर ही है, वो धीरे 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 आपको नष्ट कर सकता है। इसलिए जहाँ तक कोशिश हो चिकित्सक का काम चिकित्सक को करने दें, और थोड़े बहुत टिप्स आपको पता होना चाहिए, थोड़े बहुत सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जल्दी जल्दी चिकित्सक के पास पहुँच सकें। जी बिल्कुल, क्योंकि इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य भी यही रहता है कि जो जानकारियाँ आप विशेषज्ञों के जरिए पहुँचती हैं उसका वो इस्तेमाल करें और ध्यान भी रखें। चलिए, अभी फिलहाल हम आयुर्वेद से जुड़ी ही बातें कर रहे हैं, तो आयुर्वेद से कहते हैं कि विभिन्न रोगों का इलाज संभव है, तो कैसे होता है अगर मैं किसी ट्रीटमेंट की बात करना चाहूँ तो? जैसे मैंने अभी बताया था कि हम दोषों को संतुलित करते हैं, और दोष को संतुलित करने से वो रोग ठीक हो जाते हैं। और आजकल जो बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आपको पता करना है कि आप पथरी है या नहीं है, ठीक है, तो आपने सोनोग्राफी से देख लिया कि हाँ पथरी है, हाँ। या आपको और देखना है कि जोड़ कितने डैमेज हुए हैं, या कोई ऐसी नर्व कंप्रेस तो नहीं हो रही है, तो मॉडर्न जो टूल्स हैं, जो कि इंजीनियरिंग की देन है, लोग ये समझते हैं कि जितने भी मॉडर्न मेडिकल टूल्स हैं वो एलोपैथी की देन है या फिर मॉडर्न चिकित्सा की देन है, तो जो जो चीज़ें इंजीनियरिंग ने प्रोवाइड करी है मेडिकल साइंस को, उसका यूज़ करना चाहिए। तो या तो आप दोष देख लें कि दोष कौन कौन से इम्बेलेंस है, उसको ठीक किया जाए, और दूसरा आप कुछ मॉडर्न टूल से डिजीज़ को पहचानें। जैसे पथरी है, तो आपको पथरी के स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स जो दे रखे हैं शास्त्रों में, किताबों में, या किसी बहुत ही महान वैद्यों ने जो अपने फार्मूला प्रोवाइड किए हैं, उसे हम यूज़ कर लें, और उसका उसे यूज़ करके, उन दवाओं को यूज़ करके हम रोग को नष्ट कर सकते हैं। तो ये मैम तरीका है कि हम डायग्नोस करें बीमारी को, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो मेडिसिन है उसको दें, और मॉडर्न टूल्स को यूज़ करना चाहिए। आज के डॉक्टर्स को मॉडर्न टूल्स को देखना ही चाहिए। बिल्कुल सही। अब थोड़ा औषधियों की बात करते हैं। अभी आपने जिक्र किया था कि बहुत सारी औषधियां हैं आयुर्वेद में, तो वो कौन कौन सी औषधियां हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और घर में भी इन औषधियों को क्या मतलब बगीचे में लगाया जा सकता है क्या? औषधि वाले कई पेड़ पौधे होते हैं मैम। एक आयुर्वेद में एक बहुत ही महान चिकित्सक हुए जीवक, हाँ, तो उनका जब जीवक का कोर्स कंप्लीट हुआ, हाँ, अपने मॉडर्न लैंग्वेज अगर अपन बोले तो उनके गुरु ने उनकी परीक्षा लेना चाहिए, उनसे कहा कि अब जीवक मैं तुम्हें समझूंगा तब कि जब तुम एक पारंगत वेद बन गए हो, चिकित्सक बन गए हो, कि तुम इतने इतने एरिया में जाओ और ऐसी चीज़ लेके आओ जो औषधि में काम नहीं आती हो, जो मेडिसिन के रूप में हम यूज़ नहीं कर सकते। जी। तो जीवक उस पूरे एरिया का चक्कर ला गया, जितने भी दिन है वो तो मेंशन नहीं किया गया शास्त्रों में। तो जब वो वापस आए तो उनसे उनके गुरु ने पूछा कि तुम ऐसी कौन सी चीज़ लाए जो मेडिसिन में यूज़ नहीं हो सकती है, तो उनके पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जो मेडिकल जो एज अ मेडिसिन यूज़ नहीं की जा सकती है, मतलब मिट्टी भी अपन यूज़ कर सकते हैं, सारे पेड़ पौधे, सारी उनकी छाल, जड़ी बूटियाँ, तो मेडिसिन तो मैम सब कुछ, हर चीज़ में मेडिसिन है, सूरज की रोशनी मेडिसिन है, हवाओं मेडिसिन है, पत्थरों, बहुत सारे पत्थर भी ऐसे होते हैं जो मेडिसिन के काम आते हैं, मिट्टियाँ बहुत सारी होती है, जैसे हम देखते हैं कि मुल्तानी मिट्टी, जैसे मेरा नाम ही है, मेरा सरनेम में तो मुल्तानी मिट्टी भी काम आ रही है, और एक संगे जराहत होता है वो भी बहुत काम का है, जो पत्थर होता है, तो सारी मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि हमारे जो जो चिकित्सक है उसका नॉलेज उस मेडिसिन के बारे में है या नहीं है, अगर है तो वह उसे यूज़ करेगा, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो उसे यूज़ नहीं करेगा, और करना भी नहीं चाहिए अगर आपको किसी मेडिसिन का नॉलेज नहीं है तो। दर्शकों को आपने कितनी सरल भाषा में समझा दिया कि दरअसल जो आसपास सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें प्राकृतिक हैं, दरअसल वो सब औषधियों का काम करती हैं। बिल्कुल। अब जब औषधियों की बात चल ही रही है, और आपने बोला कि हर एक चीज़ मुल्तानी की, अभी आपने बात की मुल्तानी मिट्टी, जहाँ तक मैं खुद भी सुनती चली आ रही हूँ काफ़ी लंबे समय से कि स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, जी। तो त्वचा के लिए अगर मैं पूछना चाहूँ कि आयुर्वेद में किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह से काम करेगा त्वचा के लिए, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति की जो कंसर्न होता है वो स्किन होती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्स हो सकते हैं त्वचा को अच्छा बनाए रखने के लिए? मुल्तानी मिट्टी का एक तो सबसे कॉमन जो यूज़ है, जो आम आदमी जानते हैं, वह है कि ये त्वचा पे फेस पैक जैसे कि हम लगाते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं, और उसमें इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। रिंकल्स ख़त्म करता है, डार्क जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं या पिगमेंटेशन हो जाता है उसको ठीक करता है, एजिंग को दूर करता है। और मैम एक इसका यूज़ होता है, अगर आपको बार बार नाक से ब्लड आ रहा है,
अच्छा तो हमारे दर्शक यूज़ कर सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पे इसको लेप करेंगे सर पे यहाँ पे, तो मैम ये ब्लीडिंग को रोकता है। अगर ओके आप इसे खाते हैं कुछ स्पेसिफिक मात्रा में, तो इंटरनल ब्लीडिंग को भी ये मुल्तानी मिट्टी रोकती है। तो ये भी बहुत करामती दवाई है, इसको यूज़ करना चाहिए। बेसिकली हमारे यहाँ पे जो आयुर्वेद है उसको ये समझा जाता है कि ये कॉस्मेटिकल यूज़ के लिए सबसे अच्छा होता है, कि बस ये लेप लगा लिया, जी या जी एलोवेरा के बारे में पता हो लोगों को कि बस उसको लगा लिया तो एजिंग ख़त्म होगी, चेहरा अच्छा होगा। लेकिन कॉस्मेटिक इश्यूज़ बहुत बाद में हैं, पहले जीवन जरूरी है। हम सही जब जीवित होंगे तभी हम सुंदर दिख पाएंगे। तो आयुर्वेद को मैं दर्शकों से ही कहूँगा कि इसे अकेला कॉस्मेटिक तक सीमित ना रखें, इसे अपने जीवन को बचाने वाला विज्ञान समझें। जी तो चलिए, जब खान पान की बात चली तो यही पूछ लेती हूँ कि अगर खाने पीने की हम बात करें, आपने बोला कि आंतरिक रूप से स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो शायद स्किन में अपने आप दिखने लगेगा। तो कौन कौन सी चीज़ें, जैसे शुरुआत कुछ लोग करते हैं कि आंवला और एलोवेरा का जूस मिक्स करके पीने लगते, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए? मैम हमें ऐसी चीज़ें दिनचर्या में फॉलो करना चाहिए, जैसे हम दर्शकों से मुखातिब हैं तो बहुत सारे दर्शक गरीब भी हैं, बहुत सारे बहुत अमीर हैं, बहुत सारे मध्यम वर्ग के हैं। तो अगर इन जनरल कहा जाए तो हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, तो पहला हम आते हैं सांसों पर, कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमारी सांस है। अगर सांसें अच्छी हुई तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे। तो जितना जब भी आपको याद आए आप गहरी गहरी सांसें लीजिए, एकदम साफ एटमोसफियर में बैठकर, जहाँ बिल्कुल अच्छा सा माहौल हो, रूम अकेला नहीं हो कि आप वहीं सांस ले रहे हैं वहीं छोड़ रहे हैं, हो तो छत पे चले जाएं, लेकिन जो एटमॉस्फेयर हो वो क्लीन हो। जैसे अगर आप दिल्ली में बैठ के बहुत गहरी गहरी सांसें लेंगे तो हो सकता है बीमार हो जाए, सही है, लेकिन वहाँ हमारा तो जो बहुत भोपाल है प्रदूषण है वो जी। तो फ्रेश है, तो यहाँ तो आप आराम से गहरी गहरी सांसें ले सकते हैं। इससे अच्छा कोई टॉनिक नहीं है दुनिया में। तो आप जब भी याद आए गहरी सांसें लें। हाँ दूसरा काम, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो भोजन है। उससे पहले मैं एक चीज़ पे आऊँगा, वो है धूप। आजकल हम सब इससे बहुत बचते हैं, बिल्कुल सही, जबकि अमृत है। जैसे हाँ बारिश में अभी आप देखेंगे हर जगह कीचड़ हो गया है, सही, अब इस कीचड़ को सही करने कौन आएगा? धूप धूप आएगी। अगर गवर्नमेंट इसको जी, सही करने की कोशिश करे, मशीन लगाए, तो करोड़ों अरबों रुपए खर्चाएगा, फिर भी वो चीज़ें नहीं कर पाएगी। ऐसा ही हमारे शरीर के साथ भी है कि हम इसे धूप से बचाते हैं और इसके अंदर कीचड़ पैदा होता जा रहा है, और वो कीचड़ हमें बीमार करता जा रहा है। तो हाँ पहला काम करें आप गहरी सांसें लें, दूसरा काम करें आप आधा घंटा कम से कम आपको धूप में बिताना ही चाहिए। अगर आप धूप में आधा घंटा बैठेंगे तो चमत्कारिक असर होंगे। क्या बात है जी। तो मतलब ये कितनी, मतलब आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, कुछ लोग धूप से बचते हैं जैसा कि कपड़ा बांध के निकलते हैं, और कुछ लोगों के पास समय नहीं होता इसलिए वो धूप में आधा घंटा तो बहुत दूर की बात है, 10 मिनट भी शायद मुझे लगता है कि समय नहीं दे पाते हैं ना डॉक्टर अबरार। मैम जो धूप है उसके बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट है, काला करती है, इससे स्किन में प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम सब आती है मिसकॉन्सेप्ट हैं। और जो धूप है वो बस आप देखना नहीं है, आपको आपकी बॉडी पे वो एक्सपोज होना चाहिए। आपकी जो बॉडी है शरीर पे जितने पार्ट पे हाँ लगेगी उतना फ़ायदा करेगी। जी तो मैं सबको सलाह देता हूँ अपने मरीजों को, कि आप घर में जैसे बाथरूम बनाते हो हाँ जहाँ पे आप पानी से नहाते हो, हाँ ऐसा ही घर में एक सन बाथरूम बनाइए। वो सन बाथरूम ऐसा हो कि आप उसमें धूप से नहाएं। ये हाँ बहुत पुरानी पद्धति है बिल्कुल जो सदियों से चली आ रही है, कि आप धूप से स्नान करते हैं। अंग्रेज तो इसे बहुत फॉलो करते हैं। हाँ तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे सांस्कृतिक जो रेस्ट्रिक्टेशन है, तो हम अपने घर पे ही एक ऐसा बाथरूम बनाएं जिसकी सीलिंग ओपन हो और वहाँ से सनलाइट आए, हम घर के एक एक मेंबर जाएं उसमें सनलाइट में नहा के आ जाएं। ये आप ट्रेंड, देखेंगे कि हाँ जी चमत्कारिक असर होगा। सबसे पहला विटामिन डी मिलेगा, जो सही इतनी सारी रिसर्चेस हो रही है, कैंसर से बचा रहा है, हड्डियों के रोग से बचा रहा है, जोड़ों की समस्या से जी बचा रहा है। बिल्कुल तो अगर हम देखें विटामिन डी मिलेगा। दूसरा, अगर हमारे हमारी बॉडी हमारे घर के अंदर जैसे कि कोई घी अगर जम जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसे गर्मी में ले जाते हैं, हाँ, ताकि गैस वो के ऊपर पिघल रखेंगे, जाए। धूप में रखेंगे। हाँ तो बॉडी के अंदर भी अगर ऐसे कोई टॉक्सिन्स या ब्लॉकेज हैं तो उसको धूप क्लियर करेगी। सिंपल सा फिनोमिना है। तो ऐसे में हम धूप को यूज़ करें, ये हमें जोड़ों के रोग से बचाएगी, आपको पॉजिटिव करेगी, आप डरोगे नहीं। जैसे जैसे जी धूप को आप धूप में आप एक्सपोज होते जाएंगे, आपके मन का डर चला जाएगा, क्योंकि आजकल लोग बहुत डरे हुए हैं। तो मैं इसको एक एग्जांपल से देता हूँ, कि जैसे ही हम किसी हॉरर मूवी देखते हैं या हॉरर प्रोग्राम देखते हैं, तो उसमें जो भूत डराने आता है वो कभी चिलचिलाती धूप में या दोपहर में या सुबह सुबह उठ के नहीं आता है डराने आपको, वो हमेशा अंधेरे में आता है। ऐसा क्यों होता है कि वो चाहते तो डायरेक्टर साहब या प्रोड्यूसर उनसे बोलते या एक्टर्स बोलते कि नहीं हमें तो धूप में भी डराना चाहिए,
जो हमारा जो पात्र है उसको, जो जो भूत है उसको धूप, चिलचिलाती धूप में भी आना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा पब्लिक हंसेगी उस पर, डरेगी नहीं। तो जैसे ही हम धूप के एक्सपोजर में आते हैं हमारे डर भी जाते हैं। तो बिल्कुल सही। सांस, धूप, और फिर है हमारा पानी। तो दोस्तों पानी जो है वो उष्ण पानी, जो गर्म पानी है वो हाँ हमारे लिए अमृत है, और जितना ठंडा पानी आप पीते जाएंगे वो हमारे लिए विष है, जहर है। तो आप पानी गर्म पिए या इतना पिए कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो, और अति ना करें पानी। बहुत सारे लोग अति में पानी पी जाते हैं आजकल, बहुत सारे एंग्जाइटी प्रॉब्लम है तो वो पानी पीते जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा डर लगा रहता है और ब्रेन सेटिस्फेक्शन फील करता है कि पानी पी लिया तो आप ठीक रहेंगे, वो भी सही। गलत है। आप एक लिमिट्स में पानी पिए। और जो चौथी चीज़ है वो है भोजन। तो हमारा भोजन कैसा हो, तो मैं सबको बोलता हूँ कि आप जो आटा पिसवाते हो आजकल, इसको जी बहुत ही बारीक पिसवाते हो, ये गलत है। आप थोड़ा मोटा आटा पिसवाइए। उससे जो मल्टीग्रेन वाला कॉन्सेप्ट आया वो भी मुझे करेक्ट। बहुत भाता है, वो अच्छा है, हम हाँ मल्टीग्रेन यूज़ कर सकते हैं। और एक टाइम में एक ही सब्जी खाएं, ऐसा नहीं कि आप जो फिल्मों में देखते हो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं उनके सामने, कि वो अच्छा दाल भी खा रहे हैं, वो नॉन वेज भी खा रहे हैं, फिर सब्जी भी ले ली, फिर इधर से रायता भी ले लिया, फिर खीर भी आ गई, फिर फ्रूट भी खा लिया। ऐसा ना करें, पेट को कन्फ्यूज़ ना करें। आप एक टाइम में एक ही खाना खाएं। जैसे आपने रोटी और दाल खा ली, फिर शाम को आप रोटी और सब्जी खा लीजिए, अगर आप नॉन वेज खाते हैं फिर नॉन वेज खा लीजिए, कभी आप चावल खा सकते हैं, लेकिन एक टाइम में एक, बॉडी को कन्फ्यूज़ ना करें। तो ये जो मोटी मोटी बातें हैं इस पे अगर हम ध्यान दे लें जी तो मैं समझता हूँ चमत्कार हो सकता है। हम बहुत सारे लोगों को रोगी बनने से रोक सकते हैं, रोगियों को बिना दवाओं के ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब आपने वो जो तीन मूल तत्व थे उनके अलावा आपने अभी जिंदगी में या अच्छी दिनचर्या के लिए जो चार महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं वो बहुत मायने रखती हैं एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। आप सन बात की बात कर रहे थे तो सन बात के साथ एक और चीज़ मैंने सुनी हुई है, मड बात, मतलब मिट्टी से स्नान। ये मड बात के क्या फ़ायदे होंगे और कितनी तरह की मिट्टी का इस्तेमाल किया जा सकेगा? मैम ये एक जो विषय है नेचुरोपैथी का, एक अलग ब्रांच है आयुर्वेद हाँ से हाँ नेचुरोपैथ, वो एक अलग कोर्स है 4.5 साल का। लेकिन हम लोग मिट्टी से ही बने हैं, जैसा कि बिल्कुल हमारे जब हम मर जाते हैं तो पूरे पूरे मिट्टी में मिल जाते हैं। तो अगर मड बाथ का यही कॉन्सेप्ट है कि आपके ऊपर वो परत चढ़ाते हैं मिट्टी की और कई सारी पट्टियाँ लगाते हैं, और उसमें बहुत सारे रोग ठीक होते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी में उसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है, जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसमें अच्छा रिस्पॉन्स है, दर्द में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, आपके जो जोड़ों के दर्द है उसमें अच्छा रिस्पॉन्स है। तो वह भी एक चमत्कारी इलाज है, और उसकी एक अलग विधा है हाँ नेचुरोपैथी, हाँ तो उसको भी करवाना चाहिए। जी बिल्कुल। एक चीज़ देखने में आई है डॉक्टर अब्रार कि साइटिका की अगर किसी को समस्या होती है तो ऐसा बोला जा रहा है अभी कि आयुर्वेद के कुछ घरेलू उपचार हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं। मैम जो सीआरटी का नर्व कंप्रेस हुई है, अब वो हाँ डिपेंड करता है कि वो कितनी कंप्रेस हुई है। ठीक है। अगर जो डिस्क है वो कम्प्लीटली प्रोलेप्स है और उसने सेंट्रल केनाल स्टिनोसिस कर दिया है, मतलब कि जो रीढ़ की हड्डी है उसके उसके अंदर से जो निकल रही है हमारी स्पाइनल कॉर्ड उसको पूर्ण तरीके से दबा दिया है, तो फिर तो कोई घरेलू नुस्खा काम नहीं करेगा, सही। आयुर्वेद भी काम नहीं करेगा, मालिश भी काम नहीं करेगी, पंचकर्म भी काम नहीं करेगा, वहाँ पर आपको सर्जरी के लिए जाना होगा। अगर थोड़ी सी कम प्रोलेप्स है, सेंट्रल केनाल स्टिनोसिस बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, जी माइल्ड है, और नर्व कंप्रेशन कम है, या अकेली बस मसल्स पुल हो गई उससे आपको सीआरटी का है, तो फिर आपको आयुर्वेद और घरेलू नुस्खे काम करेंगे। तो ये एक्सटेंड किस लेवल तक है, सारे सायटिका के पेन को आप एक सही। ही फार्मूले से ठीक नहीं कर सकते, हाँ और हाँ हाँ सारे सीआरटी का पेन में सर्जरी भी नहीं करवाना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये भी गलत कॉन्सेप्ट है कि आपका पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप दौड़े दौड़े गए और डॉक्टर ने आपको एडवाइस कर दी कि सर्जरी, और आप सर्जरी करवा देते, वो भी गलत है। सर्जरी लास्ट ऑप्शन है, लेकिन कई बार वो मस्ट हो जाता है, उसको करवाना ही पड़ता है, तो ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं, ईमानदार डॉक्टर। जी जी बिल्कुल। क्या आयुर्वेद और एलोपैथिक इन दोनों का एक साथ में कभी टकराव होने वाली स्थिति तो नहीं बनती? मैम बेसिकली जो पैथी है वो मानवता की सेवा के लिए और रोगियों को ठीक करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से जो डॉक्टर का पेशा है वो अब व्यावसायिक हो गया है, तो उसमें हर डॉक्टर समझता है कि यार ये मरीज मेरा है तो मैं इसे कहीं जाने नहीं दूँ, मैं इलाज करूँ। अब ये घबरा के खुद ही चला जाए तो एक अलग बात है, लेकिन मैं तो नहीं भेजूँगा। और कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स के ईगो होते हैं, और उस ईगो की वजह से वो अपने से जो अभी समाज में जिसका लो स्टैंडर्ड है, जिस बेचारी पैथी का, उसके पास भेजने में कतराते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर मैम रोगी का नुकसान करती है। मेरे हिसाब से तो सारी पैथियों को मिलकर काम करना चाहिए और अपनी अपनी लिमिटेशन समझना चाहिए। आयुर्वेद की लिमिटेशंस कहाँ ख़त्म हो रही है, होम्योपैथी कहाँ ख़त्म हो रही है, यूनानी,
चाइनीज एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर और एलोपैथी, एलोपैथी की लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत ही सब हर रोग को बिल्कुल चमत्कारी रूप से ठीक कर देती। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में वो खुद बेचारे बहुत असहाय महसूस करते हैं। सारी पैथी को मिलकर काम करना चाहिए इंसानियत के लिए। बिल्कुल सही जी, आपकी बातों से एक चीज समझ में आई कि थोड़ा सा सोच को लेकर असमंजस है लोगों के बीच में, तो आयुर्वेद के लेकर भी कुछ गलत फहमियाँ फैली हुई है लोगों के बीच में। मैम जो लोगों को दूर करती है वो उनकी धारणाएं करती है किसी भी चीज से, चाहे वो इंसान हो या कोई कोई देश हो कोई जगह हो, अगर धारणाएं हैं उसकी बेड़ियों में आप जकड़े हुए हैं तो वो आपको उस जो अमृत है उससे भी दूर कर देगी। तो सबसे पहले अपनी धारणाएं तोड़ना चाहिए लोगों को, और आयुर्वेद से जो दूरी है बहुत सारे लोगों की, बहुत लोग जो आयुर्वेद को अपनाना ही नहीं चाहते, उसकी बहुत बड़ी वजह मिसकॉन्सेप्ट भी है। जी बिल्कुल, चलते चलते डॉक्टर अबरार, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप राइटर भी बहुत अच्छे हैं, तो आपने जो किताबें लिखी हैं वो जहाँ तक मुझे ध्यान है कि आपने आयुर्वेद पर ही लिखी है, उसके पीछे का कारण अगर मैं कम शब्दों में जानना चाहूँ आपसे। मैंने जो किताबें लिखी, मेरी अभी तक 14 किताबें आई है, जिसमें से कि 4 तो नेशनल बेस्ट सेलर है, और उसमें मैंने आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए किताब लिखी है, प्रैक्टिकल प्रिस्क्राइबर फॉर आयुर्वेदा फिजिशियन। बाकी किताब में मैंने आयुर्वेद को साथ साथ में सामंजस्य किया है और मॉडर्न चीज़ों को लिया है, कॉमन सेंस को लिया है, जो 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 अपनी रिसर्चेस हुई है उसको लिया है। तो ये नहीं कह सकते कि मैंने अकेली आयुर्वेद पे किताब लिखी है, आयुर्वेद की प्योर किताब मेरी बस एक ही है जो डॉक्टर्स के लिए। बाकी मेरी सबसे पहली किताब थी बीमार होना भूल जाइए, तो उसमें हमने आयुर्वेद के जो जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स को लिया है, कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को लिया है, और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए बीमार होना भूलने के लिए किताब लिखी गई है। बिल्कुल, मतलब इसको मैं इस तरह से समझ सकती हूँ, जिस तरह से हमारी बातचीत चली और आपने बताया दर्शकों को कि हमारे घर के पास सड़क के किनारे बगीचे में या फिर कहीं किसी बेकार पड़ी ज़मीन पर कई पौधे उगाते हैं, ये पेड़ पौधे आश्चर्यजनक रूप से हमारे कई जटिल रोगों को ठीक कर सकते हैं अगर हमें इनकी उपयोगिता और सही अहमियत मालूम हो तो। डॉक्टर अबरार मुल्तानी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।